राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए मैं कान्हा को लेके आई हूँ कुछ नए अंदाज में, एक नए तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डबोर्ड पे कुछ इस तरह की डिजाइन बना लेंगे और कट कर लेंगे। मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा लूज था, इसलिए मैं दो कट की हूँ ताकि सपोर्ट मिलता रहे, मजबूती रहे। टेप की मदद से चारों तरफ लॉक कर लेंगे और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल पुट्टी के अड्डो बना लेते हैं और उसके पहले फॉयल पेपर लेके फेस के शेप में एक इस तरह का तैयार कर लेते हैं और ग्लू गन की मदद से चिपका लेंगे। सबसे पहले हम कान्हा का फेस तैयार करेंगे और उसके बाद पगड़ी। पेस्ट करने के लिए हम हमेशा की तरह वाल पुट्टी के घोल का यूज करेंगे। इसमें वाल पुट्टी और पानी मिलाया गया है। इसे अच्छे से लगा के और वाल पुट्टी के डो की पट्टी बना के इस पे चिपका देंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन जो रहेगा उसे कैंची या चाकू की मदद से कट कर लेंगे। फिंगर की मदद से साइड साइड प्रेस करते जाएंगे और बीच बीच में पानी लगा लेंगे। कान्हा का कान तैयार कर लेंगे और बनाने के बाद पीछे से यानी नीचे से कोई सपोर्ट दे देंगे। अब हम नीचे का पोर्शन पहले की तरह तैयार करेंगे। घोल लगाएंगे, पट्टी फैलाएंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन कट करेंगे और साइड से प्रेस करते जाएंगे और बीच बीच में पानी लगाएंगे। कान्हा का हाथ तैयार करेंगे। इसके लिए दो वायर लिए हैं, इसे मैंने हैंगर से कट किया था। सबसे पहले वाल पुट्टी का घोल लगाएंगे, वायर को रख के पोजीशन को देख लेंगे, नीचे सपोर्ट दे देंगे
और ऊपर से फिर से वाल पुट्टी के डो की बनी पट्टी रखकर सेट कर लेंगे ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। सेम यही काम हमें दूसरे हाथ भी करना है। अब हम काना की धोती तैयार करेंगे। ये दूसरी लेयर है, पहले लेयर पे हम काम कर चुके हैं। धोती का फूला फूला सा लुक देने के लिए हम थोड़ा सा मोटी पट्टी का यूज करेंगे और सारा काम पहले की तरह करना है। घोल लगाना है, पट्टी रखना है, साइड से प्रेस करते जाना है और बीच बीच में पानी लगाते जाना है। अब हम काना का हाथ तैयार करेंगे। सेम ऐसे ही पहले वाल पुट्टी का घोल लगा लेंगे, फिर वायर को हाथ के अंदर डाल देंगे।
घोल की वजह से ये अंदर जाके चिपक जाएगा। बाहर से भी हम वाल पुट्टी का घोल लगा के इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि ये सूखे तो टाइट हो जाए। बांसुरी रख के हम दूसरा हाथ तैयार करेंगे। दूसरा हाथ कुछ इस तरह से रहेगा कि बांसुरी के ऊपर रहे और बाकी फिंगर्स हम बाद में लगाएंगे। अब हम एक एक करके फिंगर्स को लगा लेंगे। हाथ बन जाने के बाद हम सूखने देंगे। सूखने के बाद कुछ इस तरह का होगा। सैंड पेपर की मदद से रब कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए और कलर अच्छा चढ़े। अब कलर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न पेंटिंग जो होती है उसमें आँख नाक नहीं बनाए जाते हैं, या बनाए जाते हैं तो कुछ अलग तरीके से। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने कान्हा की आँखों को कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है, हाथों को भी कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। तो ये मॉडर्न पेंटिंग का एक पार्ट है। होल्डर तैयार करने के लिए एम सील लेंगे। इसके दो पैकेट को आपस में मिक्स कर लेंगे। ब्लैक शाइनिंग कलर मिलने पे इसे होल्डर के ऊपर लगा के प्रेस कर लेंगे। इस तरह से होल्डर हमारा तैयार हो जाएगा। ये रहे हमारे कान्हा, राधे राधे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।